हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46 to 92। हम 46 से 92 क्वेश्चन आंसर करेंगे। एलिजाबेथन एज से लेकर जैकोबिन एज तक हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है, ठीक है। जिन्होंने अगर 45 तक क्वेश्चन आंसर नहीं देखे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का लिंक है, वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 देखें। विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब थॉटफुल लव। शेक्सपियर के कौन से जो कैरेक्टर हैं वो थॉटफुल लव को डिस्क्राइब करते हैं। इनमें ऑप्शन देखें आप, सीलिया, लेबर, हेनला। तो सबसे आंसर क्या है, ए, ऑरलैंडो एंड रोजालैंड, ये हैं वो थॉटफुल लव को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। 47 देखें। विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट का मतलब है कि पहली नज़र में प्यार हो जाना, ठीक है। तो कौन से कैरेक्टर दिखाते हैं जो पहली नज़र में प्यार हो जाना, तो वो दिखाते हैं सीलिया एंड ओलिवर। इसका प्ले बताना आपने कि कौन से प्ले में दिखाते हैं ओलिवर, जिसमें ये भेस बदलते हैं वगैरह वगैरह, तो आपको ध्यान में आ गया होगा। इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज। शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसमें वो इंट्रोड्यूस करता है फेरीज के वर्ल्ड को, यानी परियों के संसार को दिखाता है, विद रोगिस इम्प ऑफ फोरलोक पक, जो पक नाम का एक दुष्ट बोल सकते हैं भूत होता है, इम्प होता है छोटा सा भूत, रगिस मतलब एक तरह से बिल्कुल दुष्ट मान सकते हैं, दुष्ट भूत को दिखाता है। तो कौन सा प्ले है वो, तो 48 में क्या आंसर आएगा, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। देखो नाइट में भूत दिखते हैं ना, तो इम्प कब दिखाएंगे, नाइट में, और भूत कभी सुंदर थोड़े ना होते, भूत तो दुष्ट ही होते हैं, तो आपको यह याद रह सकता है आसानी से। 49 देखो। विच हु इज ट्रैवलिंग विद मैकबेथ व्हेन ही फर्स्ट इनकाउंटर द थ्री विचेस। मैकबेथ के साथ फर्स्ट कौन ट्रैवलिंग कर रहा था जब वो उसकी मुठभेड़ होती है थ्री विचेस से, वो तीन चुड़ैलों से जब मिलता है मैकबेथ, तो उसके साथ में कौन था, तो उसके साथ में कौन था आपको पता ही है, बैंको। 50 देखें। द मैच्योर कॉमेडी ऑफ बाय शेक्सपियर एज, जो बिल्कुल मैच्योर मान सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया मैच्योर कॉमेडी शेक्सपियर की कौन सी है, तो वो आपको पता होगा, ट्वेल्थ नाइट। तो ट्वेल्थ नाइट बिल्कुल मैच्योर कॉमेडी है, कॉमेडी यानी कॉमेडी को आप जानते होगी। 51 विच ऑफ दीज इज रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। अब रोमांटिक कॉमेडी बताना है आपको, ठीक है, कॉमेडी भी हो और रोमांटिक भी हो, कौन सी है इनमें से। देखो ट्वेल्थ नाइट, टेमिंग ऑफ द श्रू, कॉमन ऑफ एरर, लव्स लेबर लॉस्ट, तो इसमें से कौन सी है आपकी, ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट एक बिल्कुल रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है। 52 देखे। विच ऑफ दीज इज द डार्क कॉमेडीज और प्रॉब्लम कॉमेडीज, ठीक है। डार्क होते हैं, डार्क साइड कौन सी होती है जब प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना, प्रॉब्लम कॉमेडीज या डार्क कॉमेडीज कौन सी है इनमें से, मेजर फॉर मेजर, मज एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन पढ़ती हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम लगता है, आप देख सकते हो 10 सेकेंड में आंसर देना होता है। तो आंसर कौन सा आएगा, मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर एक बिल्कुल प्रॉब्लम कॉमेडी है। विच प्ले इज कॉल्ड द ड्रामेटिक रोमांसिज ट्रेजडी कॉमेडी और रिकॉन्सिलेशन प्लेज, आपको इनमें से बताना है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, पेरिलिसिस, द ट्रेनिंग ऑफ श्रू, तो कौन सा आएगा इसमें 53 में, 53 का सी, पेरिक्लस। 54 देखें। हेलेना, कल भी जो वीडियो हम कर रहे थे उसमें हेलेना आई थी। हेलेना इज द कैरेक्टर बिलोंग टू हूज प्ले। हेलेना किसका कैरेक्टर में आती है, हेलेना जो कैरेक्टर यूज किया है वो किसने यूज किया है, कौन से ऑथर ने किया है, तो वो आपको पता ही होगा, विलियम शेक्सपियर ने।
विलियम शेक्सपियर ने किसको यूज किया है? हेलेना को. हु इज नोन फॉर हिज ट्रेजिडीज, अपनी ट्रेजिडीज के लिए कौन जाने जाते हैं, ट्रेजिडीज के लिए कौन फेमस है? तो कौन फेमस है? शेक्सपियर. ट्रेजिडीज के लिए कौन फेमस है? विलियम शेक्सपियर. ठीक है, ट्रेजिडीज के लिए कौन फेमस है? विलियम शेक्सपियर. 56 देखें, द ट्रेजिक कॉमेडी अमंग दीज, इसमें ट्रेजी भी, ट्रेजी मतलब जिसमें ट्रेजिडी भी हो और साथ में कॉमेडी भी हो. मूवी आती है ना जिसमें मतलब दुर्घटनाएं भी होती हैं और साथ में कॉमेडी भी करते रहते हैं, हंसाते भी रहते हैं. तो 56 का कौन सा है? साइम्बरलेन, ये ट्रेजिक कॉमेडी है. द ग्रेट ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर इज, शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजिडी कौन सी है? ग्रेट ट्रेजिडी या बोल सकते हैं सबसे बड़ी ट्रेजिडी भी बोल सकते हैं. तो 50 ये सारी है जो ग्रेट ट्रेजिडी है. वैसे सबसे बड़ी तो मैकबेथ है, चलो वो तो बाद में डिस्कस करें. ग्रेट ट्रेजिडीज कौन सी है? ये मैकबेथ भी ट्रेजिडी है, हैमलेट भी ट्रेजिडी है, ओथेलो भी ट्रेजिडी है. ठीक है, इनमें कोई ना कोई जो मेन हीरो है उनके साथ ट्रेजिडी होती रहती है. विच इज़ द शेक्सपियर्स मास्टरपीस पेट्रोलिकल आर्ट, शेक्सपियर का कौन सा पेट्रोलिकल आर्ट का मास्टरपीस है वो आपने बताना है. द पासिनेट पिलग्रिम्स, द लवर्स कंप्लेंट, रेप ऑफ लुकेरी या विनिस एंड एडोनिसिस. तो 58 का क्या आएगा? विनस एंड एडोनिस. विनस और एडोनिस आपको पता होगा, प्यार का देवता वगैरह. तो ये एक काफ़ी फेमस इनकी मास्टरपीस है जो फर्स्ट पीरियड में आती है. यानी जो शेक्सपियर के वर्क है चार पीरियड में बांटे गए हैं, तो फर्स्ट जो पीरियड है उसमें आती हैं आपकी. जस्ट अ सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 59 देखें, क्वीन एलिजाबेथ इट इज सैड डिस्क्राइब टू सी फालस्टाफ इन लव सो एज एट हर बिहेस्ट शेक्सपियर रोट अ कॉमेडी इन टाइटल. अब शेक्सपियर के टाइटल का नाम बताना है, इसमें कौन सी कॉमेडी आई गई. तो 59 का क्या आएगा? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडोर्स. ठीक है, हु रोट रोमांस रोजालिंडा विच सप्लाइड द प्लॉट फॉर शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट. किसने एज यू लाइक इट के लिए एक प्लॉट तैयार किया? किसने किया? वो आपका लोग ने. 61, शेक्सपियर डिपेंडेड प्राइमरली ऑन टू सोर्सेज. शेक्सपियर सबसे पहले दो सोर्स पे डिपेंड करता है फॉर हिज लेजेंडरी और हिस्टोरिकल प्ले. विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है? दोनों सोर्स में से कौन सा सोर्स है जो वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा है? होलीसेड्स क्रॉनिकल्स. जो होलीसेड्स क्रॉनिकल्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. हाउ मैनी प्लेज आर एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर्स इन टू. तो शेक्सपियर के कितने प्लेज हैं? शेक्सपियर के कितने प्लेज हैं आपको पता है? 37 प्लेज. विच इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इनमें से आपने बताना है कि विलियम शेक्सपियर का जो लास्ट प्ले है वो कौन सा है. तो इसमें 63 में क्या डालेंगे हम? टेम्पेस्ट. द टेम्पेस्ट क्या है? ये लास्ट प्ले है किसका? विलियम शेक्सपियर का. 64 देखें, हाउ आर पोलिनिश एंड लेरेंटिस रिलेटेड. पोलोनिस और लेरेंटिस किस से रिलेटेड है? ये दोनों फादर सन हैं, कजन कजन हैं, अंकल नेफ्यू है या ब्रदर है. तो आपने पता होगा ये कौन है, फादर और सन. पोलिनिस का बेटा है लॉरेंटिस.
Who tells Macbeth the queen the my lord is dead? कौन कहता है मैकबेथ को, कौन बताता है कि द क्वीन माय लॉर्ड इज डेड? तो ये कौन बताता है? सैटर्न। सैटर्न। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेनेट हैमलेट स्टेजेस फॉर क्लोडियस? क्लोडियस के लिए जो प्लेलेट है उसका नेम बताना है प्लेलेट का, ठीक है? हैमलेट स्टेजेस फॉर क्लोडियस, तो उसका नाम क्या है? द मर्डर ऑफ गुनेंजो। 67 देखे, हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन? जस्ट सेकेंड, क्या हो गया? हाउ डिड लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन हर हस्बैंड्स विल्ड बिहेवियर एट बैंक्वेट? बैंक्वेट में अपने जो हस्बैंड के विल्ड बिहेवियर, जो जंगली एक तरह से बिहेवियर करता है, जानवरों की तरह बिहेवियर करता है, उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करती हैं? सी टेल्स द गेस्ट दैट बैंकोज घोस्ट इज हॉन्टिंग मैकबेथ। वो बताता है कि वो उसको मैकबेथ का, बैंको का घोस्ट मैकबेथ को हॉन्टिंग कर रहा है। She tells the guest that Macbeth had too much to drink, कि Macbeth ने ज़्यादा पी ली है। She informed the guest that Macbeth is ill, वो Macbeth को, गेस्ट को बताती है कि Macbeth बीमार है। या she reveals that Macbeth is overcome with grief over the death of Duncan, वो बताती है कि जो Duncan की डेथ पे उसने ओवरकम पा लिया, यानी काबू पा लिया है ग्रीफ के ऊपर, तो वो क्या बताती है? 67 में क्या करेंगे हम? सी ऑप्शन करेक्ट है, वो बताती है कि मैकबेथ बीमार है, ठीक है? अब व्हाट पॉइजन डज क्लाउडियस प्योर इनटू द ईयर ऑफ हैमलेट्स फादर क्योजिंग हिज डेथ? अब जो क्लाउडियस है वो कैसा जो जहर है वो डालता है हैमलेट के फादर के कान में, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो व्हाट पॉइजन डज क्लाउडियस प्योर, क्या जहर डालता है वो? 68 का क्या आंसर आएगा? बी, हेमबनन। हेमबनन जो पॉइजन है वो डालते हैं उसके ईयर में, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। हाउ मैनी सोलिक्यूज डज हैमलेट डिलीवर? कितनी सोलिक्यूज दिखाता है हैमलेट? 7। नेम द थिएटर इन विच हैमलेट, सॉरी, शेक्सपियर हैड शेयर्ड। शेक्सपियर का कौन सा थिएटर था? ब्लैक फेरीज, द यूनिवर्स, द थिएटर, द रोज। तो कौन सा है? द ब्लैक फेरीज। तो उस टाइम पे दो ही थिएटर थे, एक तो ग्लोब थिएटर और दूसरा था ब्लैक फेरीज थिएटर। तो नेम द थिएटर इन विच हैम शेयर्स, जो शेक्सपियर के शेयर किस में थे? द ब्लैक फेयर्स में शेक्सपियर के शेयर थे। इन विच ईयर शेक्सपियर एंड अदर्स फ्रॉम हिज कंपनी बिल्ड द ग्लोब थिएटर एंड ही गोट द नेम फेम इन दिस थियोटिकल लाइफ। अब बिल्कुल नेम और फेम यानी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी ग्लोब थिएटर में, तो वो कौन सा साल था? तो वो आपको ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कौन सा ईयर था वो सभी को ध्यान है, 1599, ठीक है? मोस्ट फेमस ईयर है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके हर बार। 1599 में क्या था? ग्लोब थिएटर बनाया था शेक्सपियर और दूसरे ने, कंपनी ने मिलके। द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले वाज ब्रोट आउट बाय हेमिंग एंड कोंडेल, हु एसर्टेड दैट दे डिड द वर्क इन ऑर्डर टू कीप द मेमोरी ऑफ सो वर्दी अ फ्रेंड एंड फेलो अलाइव। व्हाट इज द फर्स्ट एडिशन नाउ कॉल्ड? अब फर्स्ट एडिशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फर्स्ट फोलियो। तो फर्स्ट एडिशन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोलियो।
Which of the following books, just a second, which of the following books marked the beginning of Shakespeare's success है? कौन सी बुक को बिगनिंग मांग सकते हैं कि ये शुरुआत है विलियम शेक्सपियर की सक्सेस की, सफलता की शुरुआत, किस बुक को मानते हैं? तो इस किस बुक को मानते हैं? वीनस एंड एडोनिस, काफ़ी फेमस पोइम्स है इसमें, वीनस एंड एडोनिस, प्यार की देवी, प्यार का देवता था वो। 74 देखिए क्या हो गया, हु इज द सिरूज इन प्ले द टेमिंग ऑफ द सिरू, सिरू कौन था जो प्ले है द टेमिंग ऑफ द सिरू में, सिरू कौन था, तो सिरू कौन था, चार ऑप्शन आपके पास, 10 सेकेंड का टाइम है, तो कौन था, कैथरीन सिरू था, सिरू है मतलब कैथरीन शुरू है टाइमिंग ऑफ शुरू में। हु वाज एप्रिशिएटेड फॉर हिज साइकोलॉजिकल वर्क, अपने साइकोलॉजिकल वर्क के लिए कौन फेमस है, सॉरी एप्रिशिएटेड यानी किसकी तारीफ की गई, हु एप्रिशिएटेड फॉर हिज साइकोलॉजिकल रियलिज्म, थॉमस नेस, स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो या शेक्सपियर। 75 में क्या करेंगे हम, डी, कौन अप्रिशिएट साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए कौन फेमस है, विलियम शेक्सपियर। 76 देखें, हु इन द शेक्सपियर्स हैमलेट मेंबर्स अ सॉन्ग फ्रॉम द बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नोन एज द टोटल मिशेलिनी, टोटल मिशेलिनी में आपने बताना है कौन सा सॉन्ग है, हु इज शेक्सपियर्स मेंबल सॉन्ग, तो कौन सा है, 76 में हम ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, वन ऑफ द टू क्लाउन ग्रेव डिगर्स। नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर एंड फ्लेचर कलेबोरेटेड, यानी दोनों का कलेबोरेशन है, दोनों का सहयोग है शेक्सपियर और फ्लेचर का, उस प्ले का नाम बताना है आपको, तो वो प्ले कौन सा है, हेनरी एट्थ में फ्लेचर और शेक्सपियर की कोलाब्रेशन है, यानी दोनों का मिला जुला वर्क है, काम है। 78 देखें, हाउ वुड यू क्लैरिफाई द नाइट ऑफ बर्निंग पिस्टल बाय ड्यूमाउंट्स एंड फ्लेचर्स, फ्लेचर और ड्यूमाउंट क्लासीफाई कौन सी है, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजिडी है या फार्स है, तो 78 में कौन सा है, ये फार्स है। एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें हम कॉमेडी की डेफिनेशन बताएंगे, ट्रेजिडी बताएंगे, फार्स क्या होता है, ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशंस करेंगे। 79 देखें, दिस पब्लिक प्लेस वाज मेड फेमस एंड इमोर्टल बाय शेक्सपियर, सेल्डन, डन, ब्यूमाउंट, फ्लेचर एंड बेन जॉनसन, नेम इट, उसका नाम बताना पब्लिक प्लेस का जिस जो फेमस है, तो वो कौन सा है, 79 का कौन सा आंसर आएगा, मैरी मेड टैवर्न। हु रोट द बुक इंग्लिश फ्रॉम नाह टू एलिजाबेथ, किसने लिखी इंग्लैंड में बुक नाह से लेकर एलिजाबेथन तक, किसने लिखी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विलियम वार्नर ने। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखें, नेम द राइटर ऑफ एलिजाबेथन पीरियड हु कंप्लीटेड मार्लोज हीरो एंड लैंडर, अब थोड़ा अच्छे से दिखेंगे, नेम द राइटर ऑफ एलिजाबेथन पीरियड हु कंप्लीटेड मार्लोज हीरो, एक सेकेंड हो गई, नेम द राइटर, उस राइटर का नाम बताना है आपको,
एलिजाबेथन पीरियड के हु कंप्लीटेड मार्लोज हीरो एंड लैंडर, हीरो और लैंडर को जिसने कंप्लीट किया था, एंड कोलैबोरेटेड विद जॉनसन एंड मार्सन इन ईस्ट वार्ड नंबर 1 में कोलैबोरेशन किया था। तो उस राइटर का क्या नाम था? उस राइटर का नाम था जॉर्ज चैम्पमैन। वन कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉनसन का जो कंटेम्प्रेरी था, यानी उनके साथ में जो काम, मतलब साथ में सहभागी था, समकालीन बोल सकते हैं हम, कंटेम्प्रेरी यानी उसकी उसी के समय में जिस टाइम पे जॉनसन काम कर रहा था उसी टाइम में, हैड बीटर एंड एक्स्ट्राविलेजेंट स्टाइल, यानी जो बिल्कुल बीटर कड़वा और एक्स्ट्रा वर्जियंट स्टाइल था। इन हीज पोइटास्टर्स जॉनसन गिव्स हिम अपर विच मेक हिम वॉमिट हैज लर्नड एंड बोम्बास्टिक वर्ड। तो ये कौन था कॉन्टेम्प्रेरी? तो इसका आंसर आपका सी, यानी मार्स्टन। 83 देखें, आर्केडिया ए पोस्टल रोमांस वाज रिटन बाय इट्स ऑथर टू एंटरटेनमेंट। अब आर्केडिया था जो एक पोस्टल रोमांस बोल सकते हैं हम इसको, वो लिखा गया था ऑथर के द्वारा टू एंटरटेनमेंट, किसके मनोरंजन के लिए लिखा गया था? क्वीन के मनोरंजन के लिए, हिज फ्रेंड स्पेंसर के मनोरंजन के लिए, हिज डॉटर के लिए या हिज सिस्टर के लिए? तो किसके एंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया था? हिज सिस्टर काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक के लिए लिखा गया था आर्केडिया, ठीक है। फिलोसिया एंड पेमिला इन द आर्केडिया आर द डॉटर ऑफ, जो फिलोसिया और पेमिला थी ये किसकी डॉटर थी? किसकी डॉटर थी? बेसिलिस की डॉटर थी। नेम द पिकारेस्क्यू रोमांस विच इज कंसीडर्ड बाय सम क्रिटिक्स एज द फर्स्ट एलिजाबेथन नावल, जो क्रिटिक्स के द्वारा फर्स्ट एलिजाबेथन नावल कंसीडर किया गया है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जैक विल्टन भी बोल सकते हैं, और अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय नास भी बोल सकते हैं, नास तो वैसे बोल दिया क्योंकि मैंने एक ट्रिक बनाई है ना, उसमें इसको नेस को मैंने नास बना दिया कि बिल्कुल नास हो गया ऐसे यूनिवर्सिटी तो ऐसे मतलब याद रखने के लिए जस्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सिटी वेट, तो ये काफ़ी बार आता है कि कौन सा इनमें से यूनिवर्सिटी वेट नहीं है, तो यूनिवर्सिटी वेट आपको पहले नाम याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें से देखो कौन नहीं है, थॉमस मार्लो तो हैं, ग्रीन भी है, पीले भी हैं, तो बेन जॉनसन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि बेन जॉनसन इनमें से यूनिवर्सिटी वेट नहीं है। यूनिवर्सिटी वेट उस टाइम पे जो 16 शताब्दी थी उसमें क्या था कि जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था, और वो यूनिवर्सिटी वेट के नाम से जाना जाता था। वो सोचते थे कि हम बहुत मतलब डेढ़ जाने हैं, मतलब वही मतलब अच्छा काम करते हैं, वही अच्छा लिखते हैं, लेकिन शेक्सपियर ने सबकी बैंड बजा दी थी। फिर चलो वो तो ट्रिक में सीखेंगे हम। अब देखो बेन जॉनसन इज ट्रेजडी सुजानस वाज पब्लिश्ड इन, अब ये बेन जॉनसन की जो ट्रेजडी थी सुजानस, ये कब पब्लिश की गई थी? इसका आपने करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 1603 1603 में ये पब्लिश हुई थी। व्हाट ऑल डिड बेन राइट, कि वो सब कुछ है जो बेन जॉनसन ने लिखा वो क्या था? क्या था? ऑल ऑफ दीज, सभी था, कॉमेडीज भी थी, कोर्ट मॉस्क्यू भी था, हिस्टोरीज भी थी। अब 89 देखें, इन विच सेंचुरी बेन्स इन्फ्लुएंस रीअपियर, अब दोबारा से बेन जॉनसन का इन्फ्लुएंस देखा गया था, वो कौन सी सेंचुरी में दिखाया गया था बेन जॉनसन का
प्रभाव बिल्कुल अपने वर्क पे, कौन से शताब्दी में, 19th जो सेंचुरी है उसके जो वर्क हैं वो बिल्कुल रीअपियर, दोबारा से ऐसा लगता है कि बेन जॉनसन का प्रभाव आ गया है इन पे, ठीक है। बेन्स फर्स्ट प्ले वाज, बेन जॉनसन का फर्स्ट प्ले कौन सा है, जस्ट सेकंड, एक सेकंड रुकना। हाँ तो बेन जॉनसन का फर्स्ट प्ले कौन सा है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द पोइट अस्टर्स, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, या वोल्पोन द फॉक्स, इनमें से कौन सा है, एवरी मैन इज इन हिज ह्यूमर, तो ये बेन जॉनसन का फर्स्ट प्ले है। ए क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन बेन जॉनसन वॉलपोल इज, जो बेन जॉनसन का वॉलपोल है इस पे क्लासिकल इन्फ्लुएंस कौन सा था वो आपने बताना है। तो इनमें चारों ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, अरिस्टोफंस का। बेन जॉनसन कॉमेडीज आर, बेन जॉनसन की कॉमेडी कौन सी थी, वॉलपोल, देखो वॉलपोल तो है ही सभी में, अब इनमें से देखो कि बेन जॉनसन की कॉमेडी कौन सी थी, आई होप आपने देख लिया होगा, और कौन सी थी, बी ऑप्शन करेक्ट है, वॉलपोल, द आर्केमिस्ट एंड एपिगोन। तो ये अब हमने 92 क्वेश्चन आंसर किए हैं, आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी रिवीजन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अच्छे सजेशन हो तो देना हमें, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। ये जस्ट हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। थैंक यू।